मैं पिछले लगभग 5 से 8 साल पहले से शुरू हुई हमको पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया मेरा। सर्जरी के 2 घंटे बाद ही मैं चलने लगा और थोड़ा खाना भी खाने लगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्जरी होने के बाद मैं 2 दिन बाद फॉलो अप के लिए डॉक्टर सर से मिलने आया हूँ। इस दौरान 2 दिन हम पूरी तरह खाए पिए और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कोई भी खाने में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एंटासिड दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। मैं अरुण ध्वज यादव, फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैं पिछले लगभग 5 से 8 साल पहले से शुरू हुई हमको पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया मेरा। और मैंने कई हॉस्पिटल को दिखाया, वाराणसी में भी दिखाया और कई जगह मैंने दिखाया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। और मैंने इंडोस्कोपी कराई, उसमें गर्ड और एसिडिटी, गैस रिफ्लेक्ट की प्रॉब्लम समझ में आई और हाइटल हर्निया भी हमको थी। और ये हमने बहुत इलाज कराया, कहीं मुझे आराम नहीं हुआ। और मैंने ऑनलाइन डॉक्टर चिराग ठक्कर सर को कांटेक्ट किया और उसमें मुझे उनसे कांटेक्ट करने के बाद मैं उनके द्वारा बताए गए अहमदाबाद आया और यहाँ पे मेरा इलाज शुरू हो रहा है। और मेरी इस समय के दौरान पीएचईटी और मेनोमेट्री जांच हुई और मुझे ये नली डाली गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं 24 घंटे के अंदर खाना खाया, पिया, घूमा और मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। नली डालने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ, थोड़े नली डालते समय थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बाकी बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना खाए और फिर पुनः इस नली को निकलवाने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। मैं अरुण ध्वज यादव, जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था कि पीएच स्टडी मेरी जो है, पीएच स्टडी जांच हुई और उसमें एसिड रिफ्लेक्ट बहुत ही ज़्यादा हुआ और डॉक्टर सर द्वारा ये एडवाइज किया गया कि आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए और मैं सर्जरी के लिए तैयार हुआ। और जैसा कि आज ही मैं 12 बजे हॉस्पिटल में आया और यहाँ पे जो है मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के 2 घंटे बाद ही मैं चलने लगा और थोड़ा खाना भी खाने लगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल रिलीव है। मेरी एसिड रिफ्लेक्ट भी पहले से 95% इम्प्रूव हो चुकी है और मैं बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं इस प्रकार डॉक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरुण ध्वज यादव है, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, मेरी सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी होने के बाद मैं 2 दिन बाद फॉलो अप के लिए डॉक्टर सर से मिलने आया हूँ। इस दौरान 2 दिन हम पूरी तरह खाए पिए और कोई भी दिक्कत नहीं हुई, घूमे भी और अब मेरी सर्जरी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। पेट से एसिड रिफ्लेक्ट जो है बहुत कम हो चुका है, ना ठीक हो चुका है मेरा, और साइनस की प्रॉब्लम जो थी वो भी मेरी ठीक हो चुकी है और आज मैं बहुत कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। और आज फॉलो अप के बाद मैं शाम को मेरी ट्रेन है और मैं अपनी ट्रेन से अपने घर को वाराणसी के लिए रवाना हो रहा हूँ। धन्यवाद। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरी सर्जरी आज 4 महीने पूरे हो रहे हैं और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और हर चीज खा सकता हूँ और कोई भी खाने में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंटरसिड दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ।